अभी नरपतगंज प्रखंड का एक रेवाही पंचायत है जहाँ पे भवानीपुर गांव पड़ता है और वार्ड नंबर 3 की ये घटना है। यहाँ पे ग्रामीण सड़क का निर्माण हो रहा है और अगर आपको दिखाया जाए कि सड़क का निर्माण कैसे हो रहा है तो ये देख सकते हैं बालू पे, कैमरामैन को कहेंगे दिखाने के लिए, बालू पे जो है ना पिचिंग किया है और ये लोग कह रहे हैं कि मठार देखिए हाथ से सड़क उखड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का फिनिशिंग है इन लोगों का जो कि इन्होंने बालू पे पिचिंग कर दिया है। यहाँ पे सभी ग्रामीण मिलकर जब इकट्ठा हुए तो इसका विरोध किए और विरोध करने के बाद अभी काम को जो है ये लोग रोके हुए हैं। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो क्या सोचते हैं ये आप लोगों को हम दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं, एक एक करके ग्रामीणों से उनकी राय लेते हैं। तभी हमारे साथ है हमारे वार्ड के पूर्व वार्ड सदस्य और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर यह क्या गड़बड़ी जो है ये देखे हैं। क्या गड़बड़ी है, यहाँ पर बालवे पर धर दिया है, यहाँ इतना तो माल डाला है, वो रोड नहीं बन रहा है, सब हाथ से खोल रहा है। इसका मतलब है कि धांधली हो रहा है, यहाँ धांधली हो रहा है। आकर ऐसे चाप को भाग जाएगा, हम लोग यहाँ मर जाएंगे। अभी हम और ग्रामीण से पूछते हैं तो आप क्या गड़बड़ी देखे हैं इसको दीजिए। अच्छा, गड़बड़ी इसमें है, ये जो है सफाईया पूरा नहीं किया है और उसमें जो है तारकुन थोड़ा सा दिया है, ऐसे चिपका के जा रहा, देख लो धूल उड़ रहा है। उस बात सुनो, उसके बाद जो है सील कोड जो मारा है उसमें तारकुन एक भी नहीं दिया, लगता है छोड़ दिया। चलिए और भी ग्रामीण से पूछते हैं, आप जो रात में गड़बड़ी देखे थे मना किए, क्या मान रहा था आपका बात? नहीं, रात में बोले नहीं कुछ किसी को, मतलब ये बोले कि रोड ऐसे बनता है, यार इसी मतलब बनाया रोड, इस तरह रोड बनता नहीं है। बाहर में हम लोग बाहर खड़ते हैं, कहीं भी रोड बनता है तो रोड अच्छी तरह से सफाई कर। कहने का मतलब है कि मिट्टी के ऊपर ही पिचिंग कर रहा है, पिचिंग कर रहे हैं। और भी ग्रामीण से जानते हैं, यहाँ पे हैं हमारे ग्रामीण और भी जो कि हमारे ही वार्ड के हैं, तो क्या गड़बड़ी देखे हैं आप इसमें? तो बिल्कुल गड़बड़ी है, सिर्फ ये सूखा बालू पर रोड डाल दिया है गिट्टी और रोड बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। अभी चलिए देखते हैं और भी उधर जो गड़बड़ी है, जहाँ पे ये 22 mm कह के क्या कहते हैं 10 mm भी माल नहीं डाल रहे हैं, देखते हैं उनको। तो अभी देख सकते हैं कि ये फिनिशिंग करके यहाँ से निकल गए और यहाँ पे देखिए कितना माल डाले हैं, ग्रामीण खुद दिखा रहे हैं। दो सूता माल है, एक सूता दो सूता मात्र माल देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो सूता माल देखिए क्या कितना बोले हैं, ये किए हैं 20 mm बोला है, मगर वहाँ यहाँ पर एक सूता माल है, कहीं 1.5 सूता माल है बस। और देख सकते हैं ये सिर्फ गिट्टी के ऊपर मेकअप कर रहे हैं और मेकअप करके अपना काम करके निकल जा रहे हैं। और यहाँ पे जितने ग्रामीण हैं आज सब इकट्ठा हुए हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि सबको दिखा देने के लिए, दूर से दिखा दो एक बार पूरा विजुअल सबका। और जब सब इकट्ठा हुए हैं तो काम अभी रुका है, अब आगे का देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। तो इस तरह से जो भी काम कहीं भी होता है तो ठेकेदार मुंशी सबका जो होता है ना मिली भगत होता है, तो इसलिए ये काम जो है सही तरीके से सभी ग्रामीण अभी आए हैं। अभी देखिए यहाँ से काम फिनिशिंग करके भी निकल गए हैं और यहाँ पे जो है ना मिट्टी के ऊपर ही जो है पिचिंग करके चल गए हैं। और ये ग्रामीण यहाँ पर आपको दिखाएंगे रियलिटी की किस तरह से पिचिंग किए हैं, नज़दीक आके दिखाइए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से क्या लगता है, क्या लगता है यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है ठेकेदार मुंशी के द्वारा जो है रोड को फिनिशिंग कर दिया गया है, जो कि हम लोग को कल मालूम चला था, जिसमें हम लोग आए थे कल इंक्वायरी करके गए थे तो बोले क्या 20 mm जो है हम लोग को आगे से आदेश है, जिसमें हम लोग स्टेटमेंट जो है क्या कहते हैं इसका मांगे थे जो रोड का होता है, लेकिन जो है नहीं दिया गया और इस पर हम लोग काफ़ी विरोध किए। तो आज जो है सभी ग्रामीण को लेके हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, जिसमें जो कोई भी रोड जो है बनता है तो जहाँ तक हम पहले से हम देखे हैं रोड को बनते हुए, तो रोड पे जो भी डस्ट होता है डस्ट को उड़ाने के लिए उसका जो है अलग से मशीन होता है, ताकि डस्ट जो है मशीन प्रेशर के द्वारा जो है डस्ट को उड़ाया जा सके, जो कि यहाँ पे है नहीं, जो कि यहाँ पे है नहीं। और इसकी बात हम लोग जो बोले उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और रोड जो जिस हिसाब से जो पहले से बेमिसाली बिछाया गया था वो भी प्लेन नहीं है। अभी वीडियो के क्रम में हम जो आगे दिखाएंगे, क्योंकि जो है यहाँ पे सिर्फ मेकअप किया जा रहा है, ऊपर से दिखाया जा रहा है कि रोड यहाँ पे बंद है, लेकिन रियल में यहाँ का स्थिति कुछ और ही है। मिट्टी पे जो है कि मेकअप करके निकल रहा है, मिट्टी ही मिट्टी है, जो तारकुन सारा के सारा मिट्टी है, तारकुन नहीं है, और जो डस्ट उड़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेकअप करते हुए जा रहा है। अब ये सोच सकते हैं अगर इस तरह से काम होगा तो ये पिचिंग कितने दिन रहेगा, कितना दिन रहने वाला है, क्या लग रहा है? 2 महीना 4 महीना ज्यादा दिन रहेगा, 2 महीना से ज्यादा ना टिकने वाला, यानी कि ये पिचिंग कर दे रहे हैं, खुश कर दे रहे हैं और 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद रोड टूट जाए, ग्रामीण इसका परेशानी झेले।
इसीलिए सभी ग्रामीण मिलकर यही चाह रहे हैं कि सड़क का काम अच्छे से हो ताकि ज़्यादा दिन तक सड़क चले। भी आगे जाके दिखा रहे हैं जो सड़क पे गिट्टी डाला गया है उनको ना तो सफाई कर रहा है, ना तो हवा मशीन है यहाँ पे, ना तो पानी डाल रहा है और गिट्टी भी ठीक से नहीं मेकअप किया गया है, बैठाया है और उसके ऊपर से ही पिचिंग हो रहा है ताकि 22 mm का जो मेकअप है ये कर सके और अपना पैसा को बचा सके। चलिए दिखाते हैं वीडियो में आपको। देखिए यहाँ पे क्या कमी है ये ग्रामीण बताएंगे, क्या कमी दिखा आपको? कमी तो ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यहाँ सब पब्लिक देख रहा है कि ये मट्टी पर जो रोड डाल रहा है ये तो एक मिनट में उखड़ जाएगा, ये नहीं रहेगा। क्या चीज होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे होना चाहिए इसको जो है मशीन से ये मट्टी को साफ करना चाहिए, उसका बाद ये तेल का तराई जो है बढ़िया से होना चाहिए, उसका बाद रोड टिकेगा। तो देख सकते हैं ग्रामीणों का कैसा आक्रोश है और यहाँ पे सभी ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं ताकि ये सड़क बने, क्योंकि ये सड़क जो है डुमरिया हाई स्कूल और हालांकि वो कॉलेज भी बन चुका है उनको जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये सड़क एक तो इतने दिनों के बाद बन रहा है और ऊपर से यहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है। ग्रामीण से पूछना चाहेंगे सड़क के काम में धांधली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किस प्रकार से हो रहा है? आपको ये जो हम मिट्टी है आपको हाथ में लेके दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ डस्ट है, बालू है, मिट्टी है और इसी पे जो है पिचिंग किया जा रहा है। समझ सकते हैं कि ग्रामीण एक सुर में कह रहे हैं कि यहाँ पे धांधली हो रहा है, तो धांधली हो रहा है। अगर ग्रामीण कुछ देखे इसका मतलब सही देखे हैं।